नमस्कार, चंद्रानी क्विज़ाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैंगन पोस्त। तो ये बैंगन पोस्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बैंगन। तो हम अभी किचन गार्डन में जाते हैं और बैंगन ले आते हैं। बैंगन मैंने ला के काट के हल्दी और नमक लगा के रख दिया था और यहाँ पे सरसों का तेल मैंने गरम कर लिया है। अब मैं एक एक पीस करके बैंगन डालूंगी और फ्राई कर लूँगी। सारे बैंगन ऐसे फ्राई करके निकालूंगी और साथ में मुझे चाहिए पोस्त। तो पोस्त मैंने यहाँ पे 5-6 स्पून पोस्त लिया है और 2 हरी मिर्च, इसको भी पेस्ट बना के ले आते हैं। बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेती हूँ और दूसरा बैंगन मैं डाल दूँगी। 3-4 स्पून तेल देके मैंने गरम कर लिया है फ्राई पैन और अभी मैं 1/4 स्पून कलंजी दे रही हूँ। और ये जो मैंने पोस्त और 2 हरी मिर्च रखा था, ये भी मैंने पेस्ट कर लिया था, इसको मैं भी डाल दूँगी। मैं यहाँ पे 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक और 1/2 कप पानी, जिस कटोरी में मैंने पेस्ट बना के रखा था उसी कटोरी को लेके डाल दिए हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 स्पून चीनी। अब ये सारे जो बैंगन फ्राई करके रखा था डाल देती हूँ। थोड़ा हिला के मैं इसको 2-3 मिनट के लिए रख दूँगी, फिर निकाल लूँगी। बैंगन पोस्त हमारा रेडी है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। लीजिए, तैयार हो गई है हमारी बैंगन पोस्त। इसे बनाना बहुत आसान है, आप लोगों ने देखा है। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करके अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।